हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फाइनल कीवर्ड्स। फाइनल कीवर्ड जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो फाइनल कीवर्ड क्या करता है और फाइनल कीवर्ड फाइनल लगाने से होता क्या है? तो फाइनल के नाम से समझ में आ रहा है जो चीज़ हमको फाइनल करनी है, मतलब जिसको हमको चेंज नहीं करना है वो हम फाइनल बोलते हैं, उसको फाइनल कर सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड जो होता है वो वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं या फिर किसी मेथड के आगे भी लगा सकते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल के आगे लगाया है फाइनल को, तो जो वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, तो कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। और हम उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ऐसे ही अगर फाइनल हमने अगर किसी क्लास के आगे लगाया हुआ है, फाइनल लिख दिया है उसके आगे, तो उस क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि इनहेरिट करते हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं, और फाइनल जो होता है वो चेंजेस को अवॉइड करने के लिए होता है। तो फिर एप्लीकेशन क्या होती है फाइनल की? फाइनल की एप्लीकेशन ये होती है कि कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कई सारे मेथड्स अवेलेबल होती हैं जावा में। तो जब प्रोग्रामर कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली और अननोइंगली कई बार, या नोइंगली भी सोचता है कि उसके कोड में जो इनबिल्ट कोड है उसमें चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने भी अगर कोई प्रोग्राम बनाया, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो कोड है इसमें कोई चेंज ना कर पाए, तो मैं उसको फाइनल बना दूंगी, ठीक है। अगर मैंने उसको फाइनल बना दिया है तो नोबडी कैन चेंज इट, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता नोइंगली और अननोइंगली। कई बार क्या होता है, जानबूझ के लोग चेंज करना चाहते हैं, कई बार बिना पता नहीं होता कि उसमें चेंज कर दिया है और चेंज हो जाता है। तो ये सब चेंजेस पॉसिबल ना हो उसके लिए कई बार इनबिल्ट इनबिल्ट फंक्शंस को, मेथड्स को फाइनल कर दिया जाता है, ताकि उसमें कोई चेंज ही पॉसिबल ना हो। फाइनल कीवर्ड किस किस के आगे लगा सकते हैं? जैसे मैंने बताया था, डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिक्लेयर करना है पाई की वैल्यू, तो फाइनल फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। इसका मतलब ये है कि पाई को अब मैं जहाँ भी पी आई लिखूँगी, जहाँ जहाँ भी मैं पी आई लिखूँगी वहाँ पर 3.14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट की तरह वर्क करता है। मेथड के आगे भी फाइनल लगा सकते हैं। अगर हमने किसी मेथड के आगे फाइनल लगाया है तो उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। वो मेथड की जो सिग्नेचर है, जब फाइनल आपने लिखा है, मेथड का जो डिक्लेरेशन है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो कभी चेंज नहीं होगी, ओवरराइड नहीं होगा। ऐसे अगर किसी क्लास को मैंने फाइनल बनाया है तो उस क्लास को इनहेरिट करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को फाइनल बना, ऑब्जेक्ट को भी फाइनल बना सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को फाइनल बनाया है, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया सकता, उसको एक ही बार जब डिक्लेयर करते हैं तभी उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो की पॉइंट क्या होते हैं, याद रखने लायक चीज़ें ये हैं कि जो फाइनल डेटा मेंबर्स होते हैं उनको उनके इनिशियलाइजेशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती कोई भी सब क्लास, और फाइनल क्लास जो होती है वो इनहेरिट नहीं हो सकती है, और फाइनल ऑब्जेक्ट जो होती है वो इनिशियलाइज होना चाहिए जब वो डिक्लेयर होती है। तभी जब वो डिक्लेयर होती है और आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो वो वैसी ही रह जाएगी, ठीक है, वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएगी। तो उसको उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना है जब डिक्लेयर करते हैं। तो ये मेन पॉइंट है फाइनल के बारे में याद रखने के लिए। इस पे बेस्ड अभी मैं कोई प्रोग्राम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है। अगर आपको फाइनल समझ में आ जाता है तो हम फाइनल का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम जब हम यूज़ करेंगे बनाएंगे तो उसमें हम फाइनल, हमें हो सकता है कि फाइनल कीवर्ड लगा के कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़े, कोई क्लास डिक्लेयर करना पड़े और कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़े, इसलिए यहाँ पर फाइनल को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।